झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कहां पर आज कम्युनिटी बाजार में निवेश के मौके हैं और रूपा मेहता की क्या राय रहेगी कम्युनिटी बाजार के ऊपर। शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी आज भी लगभग कल वाले लेवल्स पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। गोल्ड देख रहे हैं $1922 पर ट्रेड कर रहा है और जो सिल्वर है $24.9 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। दोनों ही हरे निशान पर हैं और जो लेवल्स हमने कल के कारोबारी सत्र में देखे थे गोल्ड और सिल्वर के अंदर, आज भी लगभग वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। घरेलू वायदे की बात करें तो घरेलू वायदे में भी लगभग यही वाले लेवल्स आज गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में ना ही ज़्यादा तेज़ी बनती नज़र आ रही है ना ही ज़्यादा मंदी। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में, दोनों में ही फ्यूचर मार्केट में एक सीमित दायरे में ही यानी कि एक रेंज में ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो फेडरल रिज़र्व बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जब से ये फेडरल बैंक के जो ब्याज दरें हैं उनमें बढ़ोतरी करी है 25 बेसिस पॉइंट्स की, और उसके बाद ये आगे संकेत दिए हैं, आगे ऐसे इंट्यूशंस हैं कि जो फेडरल रिज़र्व के जो ब्याज दर हैं उनमें और फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर अब सोने चांदी पर हमने पड़ता हुआ देखा था और डॉलर में तेजी आते हुए देखिए जिसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ा है और सोने चांदी हल्के नरम हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में क्या रणनीति बनाए जिससे कि सोने चांदी में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर एक बार फिर से वही रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं जिस रेंज में हमने कल को ट्रेडिंग में देखी थी। अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से फेडरल रिजर्व बैंक आगे संकेत दे रहा है कि जो ब्याज दरें उनमें और बढ़ोतरी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रेटेजी बनाए जिससे अच्छा मुनाफा हो? देखिए जहां तक गोल्ड और सिल्वर की बात है, इसलिए ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। मार्केट को बहुत ज्यादा फिलहाल करेक्शन की उम्मीद नहीं है। हाँ, अभी ऊपरी स्तरों से जरूर बाजार विदेशी बाजारों में भी हल्की गिरावट दिखाते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि वापिस से मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिली है और $1900 के ऊपर मार्केट सस्टेन है। अगर नीचे गिरता भी है यहाँ से तो $1880 तक की गिरावट जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली सोने और चांदी के अंदर एक बार फिर से बाइंग बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म होरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोने में $1880 के आसपास बाइंग करके चला जा सकता है। आज इंट्राडे में भी रेंज जो है वो 51,000 से लेकर 51,400 तक की बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं आज भी बढ़ोतरी जारी है, 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है WTI और ब्रेंट में। ब्रेंट $117 पर ट्रेड कर रहा है और WTI $110 के ऊपर है। वहीं भारत में भी आज पेट्रोल डीजल के दामों में रूपा जी फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कच्चे तेल की जो मार्केट है लगातार तेजी की ओर जा रही है अब, और जानकार भी आगे लगातार तेजी ही बता रहे हैं, तो ऐसे में अब भारत में इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहां तक देखने को मिल पाएगा? देखिए कच्चे तेल की तेजी का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार बना हुआ है और अब ये कंटिन्यूशन में देखने को भी मिलेगा। अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से ऑयल प्राइस में एक बार फिर से बाउंस बैक आया है और यूएस के अंदर स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है, 4.3 मिलियन बैरल वीकली जो है वो हमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से भी क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका असर ये है कि अभी फिलहाल जो है बाजारों के अंदर सप्लाई काफी तंग देखने को मिल रही है और डिमांड अच्छी खासी है, जिसके चलते कीमतों के अंदर एक तेजी का रुझान फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ से कच्चा तेल वापस से बाउंस बैक पकड़ता है, और अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार कच्चा तेल जो है वो $122 तक ऊपर जा सकता है, WTI और ब्रेंट भी 125 से 128 की रेंज पकड़ सकता है, तो अभी फिलहाल $120 मैक्सिमम जो है वहां पर एक सपोर्ट है। अगर उसको निकाल देता है तो ऊपर में और तेजी WTI में बनती हुई दिखाई दे सकती है और पेट्रोल
डीजल की कीमतों में भी उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हिंसी रूपा जी, बात करें अगर आप बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देखने कोई ज्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। बेस मेटल्स में भी मिले जुले रुझान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। वहीं से खबर निकल के सामने आई है कि चाइना ने अपने एक राज्य में फिर से लॉकडाउन लगा दिया है कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते, और चाइना में कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में जो चाइना है वो बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, प्रोड्यूसर भी है, तो ऐसे में अगर चाइना की तरफ से बेस मेटल्स और क्रूड की डिमांड कम रहती है तो रूपा जी इसका असर बेस मेटल्स पर कितना रहेगा? देखिए छुटमुट करेक्शन की तरफ मार्केट जा सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑलरेडी देखा जाए तो एक अच्छा खासा हमने प्राइसेस के अंदर पिकअप आता हुआ देखा है। अब यहाँ से हल्की करेक्शन जरूर बनती हुई बेस मेटल में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार प्राइसेस ऊपर की तरफ बने हुए हैं। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो 780 तक कॉपर नीचे में जा सकता है, 780 से लेकर ऊपर में 820 की रेंज फिलहाल कॉपर में बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है, एल्यूमिनियम में तेजी बन सकती है। एल्यूमिनियम के साथ साथ जिंक भी काफी सपोर्टिव है। अब देखिए जिंक भी लगातार 300 के ऊपर सस्टेन है, 327 के आसपास हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है करेक्शन देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल डिमांड के ऊपर असर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी क्रूड ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें बाइंग में आ जा सकता है, क्रूड के साथ साथ बेस मेटल्स के अंदर भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।